हेलो गाइस, आपका लैपटॉप भी ओपन होते ही काफी सारे ऐप्स को ओपन कर देता है ऑटोमेटिकली, जो शायद आपके काम के ही नहीं है। जी गाइस, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा इन सारे ऐप्स को आप कैसे डिसेबल कर सकते हैं और काफी हद तक इन टेक्निक से आप अपने लैपटॉप की स्पीड को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा विंडो पे, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से आपको टास्क बार टास्क मैनेजर को ओपन कर देना है। गाइस, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक टैब आ रहा है स्टार्टअप, यही टैब है जहाँ पर हमारे सारे स्टार्टअप ऐप रजिस्टर्ड हैं, जिसको यहाँ से हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सिर्फ 3 ऐप्स को इनेबल किया हुआ है जो मेरे काम के हैं, जो मुझे डेली रूटीन पे यूज करने होते हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, गूगल क्रोम, इन 2 ऐप्स को इनेबल किया हुआ है क्योंकि मैं इनको फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ। गाइस, बाकी सारे ऐप जैसे आप देख पा रहे हैं नीचे एनी डेस्क है और स्पीच रिकॉग्निशन है और काफी सारे ऐप्स हैं, सारे मैंने डिसेबल किए हुए हैं, जिसके कारण मेरे लैपटॉप की जो स्पीड है काफी हद तक इम्प्रूव है। लेकिन गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे को यहाँ पे कोई और ऐप ऐड करना है जो शायद यहाँ पे लिस्टेड ही नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं OBS स्टूडियो भी मेरे पास एक ऐप है और दूसरा मेरे पास पावर डायरेक्टर है। इन ऐप्स को गाइस मैं कैसे यहाँ पे लिस्ट करूँ क्योंकि ये ऐप यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो कैसे हम इनको स्टार्टअप में ऐड कर सकते हैं। वेल गाइस, इन ऐप्स को स्टार्टअप में ऐड करने के लिए मैं आपको बहुत छोटी सी कमांड बताने जा रहा हूँ। आपको सिंपली विंडो R की प्रेस करनी है रन कमांड को ओपन करने के लिए। गाइस, जैसे ही रन कमांड आपकी ओपन होती है, वहां पे आपको टाइप करना है सेल SHELL स्टार्टअप STARTUP। जैसे इसको टाइप करके एंटर करेंगे तो गाइस इस तरह से आपको एक फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये बेसिकली विंडो का एक प्रोग्राम है जहां पर स्टार्टअप फाइलें स्टोर होती हैं। तो गाइस, आप देख पा रहे हैं करंटली इस फोल्डर में 2 शॉर्टकट बने हुए हैं, एक गूगल क्रोम का है और दूसरा आउटलुक का है। तो गाइस, जैसे ही मैं यहाँ पे अगर OBS स्टूडियो को भी स्टार्टअप में ऐड करना चाहता हूँ, सिंपली आप इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं गाइस। जी हाँ गाइस, जैसे आपने यहाँ पे पेस्ट किया, उसके बाद आप देख पाएंगे सिंपली OBS स्टूडियो आपके इस लिस्ट में आ चुका है गाइस। अब ये इनेबल्ड है, आप इसको यहाँ से डिसेबल्ड भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस के थ्रू गाइस, आप अपनी किसी भी एक्सेल फाइल हो, चाहे वो कोई भी फाइल हो, कोई भी प्रोग्राम, आप ऑटोमेटिकली रन कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस हमें वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, उसको एडिट करने में, उसके बाद अपलोड करने में काफी मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक बूस्टर की तरह काम करता है गाइस। थैंक यू गाइस।